जय श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण। मेरे भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में श्रीमन्नारायण जरूर लिखना। जय श्रीमन्नारायण। कार्तिक मास की व्रत कथा। कार्तिक का महीना प्रारंभ हो चुका है। इस माह को बहुत ही पवित्र माना गया है। इस माह में ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और तब सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी कार्तिक मास में दीपावली का महापर्व आता है। पुराणों में कार्तिक मास का महीना का वर्णन मिलता है। इस माह में दीपदान, स्नान, विष्णु पूजा और तुलसी पूजा के साथ ही पौराणिक कथा भी सुननी चाहिए। आओ कार्तिक मास की कथा व्रत सुनते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आते तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दीं। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता, मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं ही रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव ने कह दो कि वह अपना आटा दे दें, मैं रोटी बना दूँगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो उस लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यह तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊँ। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है, बहू कहाँ से आए, दुनिया ताने मारती है अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़े देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ आनंद से गई। जब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता पीछे तो बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रख देती। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई।
ये देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे के गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। ये सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि ये तुझे झूठ बोलकर लाए, मेरी बात सच मान, इनके बेटा कोई नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर रख देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की कचड़ी दाल में डाल देना, दाल की कचड़ी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा दिया, पढ़ा दिया। फिर जब उसमें सास ससुर घर आए तो उनसे न तो उनका आदर किया, न सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज वह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अगली है। बहू तब ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी में कोठों में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठा देखा तो कि शिवजी पार्वती गणेश जी लक्ष्मी माता पीपल पथवारी कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर तुलसी जी का बिछड़ा गंगा यमुना और 33 कोट देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा हुआ माला जप रहा है। ये सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पत हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आए तब दरवाज़ा खोलना। ये सब देखकर बहू बहुत खुश हो गई और 16 श्रृंगार सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती। ये सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तब बहू ने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी पार्वती जी गणेश जी लक्ष्मी जी पीपल पथवारी कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर तुलसी जी का बिछड़ा गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिके ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा ये संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडित से मदद मांगी। पंडित ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो तो छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भींगे और पवन पानी में गठजोड़ बधे, तब माने कि ये माँ का ही बेटा है। उनसे देख ऐसा ही किया, चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भींग गई। पवन पानी से बहू और बेटे का गठजोड़ हो गया। ये सब देखकर ब्राह्मण और पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो यही थी कार्तिक मास की कथा।
हे कार्तिकेय ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहु बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने सुनने और हुंकार भरने वाले पर सब कृपा कर देना। कार्तिक मास की कथा सुनने से बहुत फल मिलता है। आप भक्त लोग इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और पूरी सुनना। पूरी कथा सुनने से पूरा फल मिलता है। जय श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, राधे राधे।